नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपने फास्ट ट्रैक रिवीजन का पार्ट वन तो देखा ही होगा, और ये जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन का पार्ट टू है। इसमें हम लोग कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि उस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में पब्लिक इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। जल्द से जल्द हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना, ताकि 50 अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनमें कम से कम आदमी इन 6 दिनों में, मतलब अगर सोमवार से शुरू करके शनिवार तक पढ़ता है तो इन 6 दिनों में व्यक्ति कम से कम 50 में से नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर सके। ये हमारा प्रयास है इन 6 दिनों में। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना देर किए। आइए चलिए शुरू करते हैं जो हमारा आज का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है फर्स्ट टेक रिवीजन का। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन जो हमने खोजा है, ये है एक्स ए पे पावर, ये है ए पे पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू बी पे पावर वन बाई वाई इज इक्वल टू सी पे पावर वन बाई जेड एंड एवं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन एक्स प्लस जेड की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, एक्स प्लस जेड की वैल्यू हमको ज्ञात। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए पे पावर वन बाई एक्स है इक्वल टू बी पे पावर वन बाई वाई है इक्वल टू सी पे पावर वन बाई जेड है। ऐसे क्वेश्चन के लिए बराबर में मान रहे हैं, मान लीजिए के है, अब बारी बारी इसके भी बराबर के है, इसके भी बराबर के है, ठीक, और इसके बराबर के है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, सीधे ए पे पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू के पे पावर एक्स, ठीक ठीक। उसी प्रकार से बी के लिए सॉल्व करेंगे तो बी इज इक्वल टू के पे पावर वाई एंड सी इज इक्वल टू के पे पावर जेड, ठीक। अब क्या करें, इस वाले पोर्शन में उसको उठाइए, बी इज इक्वल टू ए सी, इसी में लाकर रखना है, बी की जगह पे क्या है के पे पावर वाई, k पे पावर y इसका स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू a के जगह पे क्या है k पे पावर x, c के जगह पे क्या है k पे पावर z। अब क्या करें, ये देखिए आधार बराबर है, घात जुड़ जाएगा तो k पे पावर x प्लस z z। अब तुलना यदि हम करते हैं तो तुलना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, k पे 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा k पे पावर x प्लस z, यानी इधर अगर तुलना करते हैं तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यानी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है एक्स प्लस जेड का, इसका मान 2y है। आसानी से देख लिया, इस तरह के क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिल जाते हैं। अगला जो हमारा है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन था a पे पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू बी पे पावर वन बाई वाई इक्वल टू सी पे पावर वन बाई जेड इज इक्वल टू, इसको नहीं है, और एक दिया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इन दोनों की सहायता से क्या निकालना था हमको, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी, जिसका मान 2y हमारा आया है, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि रूट में एक्स बाई वाई प्लस रूट में वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, 10/3, और एक और मान दिया है x प्लस y का मान 10, तो बताना है हमको x y का मान कितना होगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे में क्या करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में x बाई रूट में y, इसको रूट पूरे का है तो अंश के साथ लिख दीजिए और हर के साथ लिख दीजिए, धन रूट में y बटा रूट में x इक्वल टू 10/3, ठीक। इधर देखिए तो एक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई बटा रूट में एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/3, ठीक। अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई का मान यहाँ दिया हुआ है 10, लाके रख दीजिए 10/√ में एक्स वाई इक्वल टू 10/3, 10 से 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√ में एक्स वाई इक्वल टू 1/3, ठीक। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दीजिए, अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/xy = 1/9, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर हम पा गए। इस तरह के क्वेश्चन भी हमको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से क्वेश्चन को नोट करके अपने आप लगाएं, तब जाकर के क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, a पे पावर x इक्वल टू b पे पावर y इक्वल टू c पे पावर z, नहीं ऐसा है कि a पे पावर x इक्वल टू कितना है b है, b पे पावर y इक्वल टू कितना है c है, एंड c पे पावर z इक्वल टू a है। तो बताना क्या है, या x y z का मान बताना है, या a है, देन x y z की जो है वैल्यू बतानी है। कैसे निकलेगा, इसके लिए किसी एक को उठा दिया, मान लीजिए हम इसको उठा लेते हैं, तो c पे पावर z इक्वल टू a, c की वैल्यू हमको पता है कितना, b पे पावर y लिख दीजिए, c का मान क्या है b पे पावर y, इस पे z इक्वल टू a, अगर इसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा b पे पावर y z, घात का घात में गुणा हो जाता है इक्वल टू a, b का मान हमको पता है a पे पावर x, लाइए रख दीजिए b के जगह पे a पे पावर x, इस पे घात y z है इक्वल टू a, ठीक देखिएगा, अब घात के घात में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a पे पावर x y z, ठीक है इक्वल टू a, आधार की तुलना कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, इधर इस पे एक है आधार a a बराबर है, तो घात घात की तुलना कर दीजिए घातांक की, तो घातांक की तुलना करेंगे तो x y z का मान क्या मिल जाएगा एक, x y z का मान एक। इस तरह के क्वेश्चन भी हमको क्या होते हैं एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन हमारा है 2 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर y इक्वल टू 36, देन z की वैल्यू आपको बतानी है, क्या बतानी है z की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, अगर सॉल्व कर लिया जाए तो अच्छी बात है, वरना हम लोग इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ जो कि परीक्षा में आते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। जब फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है कॉलेज एग्जाम में कम समय में कवर हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।